गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है सबको मेरी? नहीं दिख रही हूँ बेटा, कैमरा तो ऑन है, दिख रही होंगी, देखिए ध्यान से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सबको, मैं मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, मैं दिखाई दे रही हूँ? ओके, ओवेस और चंद्रांशु अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन करिए। ओवेस एंड चंद्रांशु कैमरा और माइक दोनों ओपन करिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओवेस कैमरा ओपन करिए। क्या हुआ रे? रिमझिम कुछ बोल रही थी बेटा? यस मैम, पानी नहीं थे, पापा जिसको बॉडी किसको छोड़ ले जाए। रिमझिम अब स्कूल खुलने वाला है बेटा, पढ़ाई करिए, जल्दी स्कूल खुलेगा, पढ़ाई करिए वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो खुलेगा बेटा, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, अभी तो है, जल्दी खुलेगा। और सामर दो दिन से कहाँ गए थे आप? मेरा पेंटिंग हो रहा था। अच्छा एक्टिविटी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 52। बता दिया जाए। व्हाट इज द डेट टुडे? मम्मी कौन सी हिंदी का किले? बोलो गाइस, 20/10/2021 और डे कौन सा है? निकालो डे है 12। डे कौन सा है? ट्यूसडे। नहीं बेटा, ओके बेटा, अभी हाउस हाउस साइड में रख दीजिए, अभी पढ़ाई कर लेंगे। ओके, उसके बाद में त्रिशा का हाउस देखेंगे। ओके त्रिशा, हाउस भी करिए। मैम ये यस बेटा, जीके की एक्टिविटी पेज नंबर 52। हमने सब निकाल लिया। हेलो, पेंसिल रबर सब निकाल लिया? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मैच द बर्ड, तो हमें क्या करना है? बर्ड को मैच करना है। ओके, पेज नंबर बेटा देखिए बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड पे से देखिए। मैम नहीं दिख रहा, मैम नहीं दिख रहा। 52 दिख गए, दिख गए, दो दिन बाद, एक दिन बाद। तो, अच्छा हाँ, एक और बात, मैंने कही थी सबको पोएम भेजने के लिए, सिर्फ सामर से भेजी है, और किसने भेजी है? त्रिशा ने भेजी है ना? त्रिशा मैम, तन्वी ने भी भेजी। पोएम बाकी किसी ने मुझे नहीं भेजी, सामर से क्लास नहीं करी थी, फिर भी सामर ने पोएम भेजी, वेरी गुड सामर। और त्रिशा ने पोएम भेजी, वेरी गुड त्रिशा। यस त्रिशा ने भी भेजी थी, वेरी गुड। और बाकी बच्चे ने बिल्कुल नहीं भेजी, किसी ने नहीं भेजी, और सबने मुझे बोला था कि सब भेजेंगे, पर किसी ने नहीं भेजी। मैंने वीडियो बना लिया था, पर भेजा है नहीं।
अच्छा अभी भेज दीजिएगा, आज जिन्होंने नहीं भेजी वो आज भेज देंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, चलिए पेज नंबर 5252 पे हमें इस साइड में बर्ड्स के नेम दिए गए हैं। कौन कौन सी बर्ड्स हैं? रीड करिए। सबसे पहली बर्ड कौन सी है? पैरेट के नीचे, आउल, आउल के नीचे, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईगल, ईगल के नीचे, क्रो, यस। क्या कहते हैं? इस साइड में क्या दिए गए हैं? आईज, नोज, लिप्स, विंग्स। तो जिस भी बर्ड के जो होंगे हमें उससे मैच करना है। तो सबसे पहले आईज दी गई है बड़ी बड़ी। तो बड़ी बड़ी आईज किसकी होती हैं? तो आउल से, बड़ी बड़ी जो आईज है उनको आउल से मैच करिए। उसके बाद ये नोज दी है, ऐसी नहीं, नोज नहीं है, क्या दिया है? जैसे जो आगे वाला मुंह होता है ना, ये किसका है? पैरों का है। हम चलनी है। जो नोज, ऐसे नोज दी है वो किसकी है? वेरी गुड। उसके बाद विंग दिया हुआ है, वो विंग है क्रो का। और उसके नीचे जो मुंह दिया हुआ है वो है ईगल का। ये देखिए ऐसे। और पैरेट में विंग क्रो ओके बेटा, अब नेक्स्ट पेज पे। और सब लोग देख डाल लीजिएगा इस पेज पे भी और नेक्स्ट पेज पे भी। क्या है? 20/10/2021 और डे कौन सा है? वेडनेसडे। अब हमें क्या करना है? अब हमें पजल करना है। हमें क्या करना है? इसमें से एनिमल्स के नेम को फाइंड करना है, ठीक है? ये जो बॉक्स दिया है इसमें से हमें एनिमल्स के जो ऊपर एनिमल्स हैं वन बाय वन करके उनके नेम फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले कैमल, जिसको भी मिल जाएगा वो अपना नाम बोलेगा और मैं देखूंगी कि कहाँ पे है, ठीक है? रेड की मिली हमें। मैम मेरा हो गया। जिसको मिलेगा अपना। शगुन को मिल गया। शगुन को कौन सा एनिमल मिला? कैट। कहाँ पे कैट बेटा? एक नीचे। वेरी गुड शगुन। अब नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट एनिमल किसको मिला? शगुन अब आप म्यूट कर लीजिए। मैंने मुझे कौन मिला? कैट। बेटा वेट, अभी सामर्स कुछ बोल रहे थे। सामर्स बोलिए बेटा। सामर्स का माइक बंद हो गया है। बोलो बोलो मैम, सामर्स को कैट और कैमल मिला है। बेटा कैट तो हो गया, आप कैमल बता दीजिए। कैमल कहाँ है? कहाँ पे बेटा? बाकी एक मिनट सामर बेटा, एक मिनट। जब मैं जिसे पूछूंगी सिर्फ वो बोलेगा, ठीक है? बाकी सबको नहीं बोलना है। मैं अभी सामर से पूछ रही हूँ ना, बाकी सब लोग क्यों बोल रहे हैं? नहीं, किसी को भी नहीं बोलना है। वैस कीप क्वाइट। यस सामर बोलो। पैरट मिल गया। पैरट भी मिल गया लास्ट स्लाइड में। बस कैमल बता दीजिए। कैमल किधर है? फाइव लाइन में भी। वेरी गुड सामर, वेरी गुड बेटा। अब कौन रिमझिम अब बताएगी? रिमझिम बेटा माइक ओपन कर लीजिए। रिमझिम मैम माइक ओपन है। हाँ बताइए, अब कहाँ पे कौन सा एनिमल मिला? कैट मिला बेटा। कैट मिल चुका है। डक डक बताइए। डक डक कहाँ है?
डक भी मिलेगा ना? डक कहाँ पे है? अक्स भी मिलेगा। अरे बेटा एक हाँ डक भी मिलेगा कहाँ पे? डक डक मिल गया तो डक कहाँ है? D-U-C-K कहाँ पे है? थर्ड लाइन में है ना? थर्ड लाइन में ऐसे बताइए ना, तीसरी लाइन में है? यस मैम। हाँ ऐसे बताने की सामर्थ ने कितने अच्छे से बताया था। ओके अब ओवेस बताइए, कौन सा एनिमल मिला ओवेस को? मैम हाँ बेटा ऑक्स। यस तो ऑक्स कहाँ है? बस एक बताना है, वन ओनली वन। ऑक्स कहाँ पे है? मैम एट लाइन पे। वेरी गुड वेरी गुड मैम। डंकी नहीं बेटा, बस एक बताना, बस एक एक बताना ओवेस, बस एक एक। ओके आप कौन? अब चंद्रांशु बताएंगे। चंद्रांशु या कहाँ पे है या? बताओ मैम को किस लाइन पे बेटा? नीचे बता दो, नीचे से फोर। यस बेटा वेरी गुड। आप खुद से काउंट, आप चंद्रांशु तो इतने स्मार्ट है, खुद से काउंट करके बता सकते हैं, है ना? खुद से काउंट करके बताइएगा बेटा। ओके लो कैमरा ही बंद कर लिया। ओके अब त्रिशा बताएगी। त्रिशा सही से बैठो। त्रिशा को कोई एनिमल मिला? त्रिशा माइक ओपन करिए बेटा, माइक बंद है आपकी। रेनडियर। रेनडियर मिल गया? कहाँ पे बेटा रेनडियर? रेनडियर ये है फर्स्ट लाइन पे। वेरी गुड त्रिशा। त्रिशा कितनी स्मार्ट गर्ल है, देखिए उसने फर्स्ट लाइन वाला ही खोजा। वेरी गुड। आप कौन बताएगा? संस्कार। संस्कार के बारे में, संस्कार को कुछ मिला कि नहीं? बस संस्कार हंसने में बेटा माइक बंद करके बोल रहा है, माइक ओपन करिए। क्या मिला? रैबिट। कहाँ पे रैबिट? वेरी गुड सेकेंड लास्ट में। संस्कार अच्छा एक बात बताइए, संस्कार बोलो मैम क्या कह रही हंसी क्यों आती है? हाँ मैम इसको डांट भी पड़ी हुई थी हंसी के लिए। इसको इतनी हंसी आती, इतनी हंसी आती है, ये इतना हंसता है कि इसको देख के हमको भी हंसी आने लगती है। फिर मैम पढ़ाएंगी कैसे संस्कार इतना हंसेंगे तो? तुम बदतमीजी कर बहुत हंस रहा था संस्कार। ऐसे कौन हंसता है? चलो देखो मैम क्या। अच्छा अभी पूछ रही हूँ तन्वी, अब आप ही की टर्न थी। हाँ तन्वी बताइए। या बता चुका है, पैरेट और डोंकी में से बताइए। अरे वाह वेरी गुड। और पैरेट मैं बता दे रही हूँ, बाकी सबने बता दिया, बस मैं ही बची हूँ तो मैं पैरेट बता दे रही हूँ। पैरेट देखिए सबसे लास्ट स्टैंडिंग में, सबसे लास्ट लाइन पे। ओके देखिए सबने वन वन बता दिया, कंप्लीट हो गया, हो गया ना? देख लीजिए एक बार, सब लोग अपना सही कर लीजिए देख के। वेरी गुड। हाँ बेटा
रैपर की पहले सुना है कौन सुना? हाँ सुनाइए, पर बिना हंसे सुनाना होगा, आपका टीथ नहीं दिखना चाहिए। एक बना तो बोला आप देखिए, मैंने कहा ना संस्कार, बिना आपका टीथ, बिना आपका टीथ दिखे, बिना हंसे सुनाना है। बताओ ये बताओ, चलो यहाँ के आर देखो कैसे सुना। आर डबल बी आई रैबिट, वेरी गुड। अब बिना देखे बताइए, देख के तो मैं भी बता दूंगी। अब हंसी आ गई। आर डबल बी आई आई वेरी गुड। ऐसे ही सारी स्पेलिंग याद करनी है। वेरी गुड संस्कार, ठीक है, चलिए सबका हो गया कंप्लीट ये वाला। नो बोलो। ओके अब नेक्स्ट पेज पे आइए। कौन से एनिमल्स बने हैं? सी एनिमल्स बने हैं जो पानी में रहते हैं, सी में रहते हैं। कौन कौन से सी एनिमल्स हैं? डॉल्फिन सब लोग खोजिए। अब वन बाय वन मैं जिससे आप पूछूंगी उसको वो बताना होगा कि कहाँ पे है। अब आपके हिसाब से नहीं, अब मैं जिससे जो पूछूंगी उसको बताना होगा। सबसे पहले त्रिशा, ध्यान डॉल्फिन कहाँ पे है? त्रिशा डॉल्फिन कहाँ है? त्रिशा ये तो भैया लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में कहाँ पे? सीधी लाइन पे या वर्टिकल लाइन पे? वेरी गुड त्रिशा, फर्स्ट लाइन। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। मैं क्यों पाला? मैंने कहा है ना बेटा, एक मिनट सामर बोलिए। बोलो। सामर्थ ने कछुआ पाला है। कछुआ पाला है टॉर्टोइज। मैं घर में है। मेरे घर में है। उसका नाम क्या है बता दो। लगा दो निशान। अच्छा एक मिनट, मैंने सबसे पूछा, मैं शगुन को तो भूल गई और शगुन ने बताया भी नहीं। शगुन ने देखा था। आपने बताया भी नहीं कि मैम आप मुझे भूल गई, आपने मुझसे पूछा ही नहीं। मैं फिश पाली हूँ। अच्छा फिश पाली हो आप, तो बताइए फिश कहाँ पे? आप ही फिश खोज के बताइए कहाँ पे। मैं डॉल्फिन पाली हूँ। चलो इसको लाइन खींचो। फिश कहाँ पे है? शगुन फिश खोजिए। फिश कहाँ पे बेटा? 54 पे तो है, इसमें कहाँ पे है? इस बॉक्स में देखिए फिश कहाँ पे है? इसमें जो है 54 यहाँ पे है ना, कुछ नहीं है ना। सेकंड लाइन में, सीधी लाइन में ना, सेकंड लाइन में F I S H फिश। चलिए ओके शगुन, गुड। ये है ये। अब कौन बताएगा? सामन तुम बताइए। यहाँ पूछ रहे तो छोड़ रहे थे। रख रोज नहीं आती है कुछ इधर जो खोलो पड़ रहे। यस थॉमस बताइए, अपना माइक ओपन करिए। हाँ बोलो। अब आप कौन सा फ्रॉग बताइए? फ्रॉग कहाँ है? सामर स्लीपिंग लाइन में टू। स्लीपिंग लाइन में टू।
स्लीपिंग लाइन में टू, वेरी गुड। वही फिश के पास फ्रॉग है ना? हाँ हाँ बोल दो। यस मैम। यस मैम। ओके गुड सामर। तन्वी और उन्हों अब बताइए सी हॉर्स कहाँ है? तन्वी बताएगी सी हॉर्स कहाँ है। सी हॉर्स फाइव लाइन में। किस लाइन में बेटा? फाइव लाइन में। वेरी गुड। फिफ्थ लाइन में सी हॉर्स डॉल्फिन के जस्ट पहले खत्म हो जाएगा। वेरी गुड तन्वी। सी हॉर्स सील बताइए सील कहाँ है? एस ई एल सील। बताइए संस्कार क्या फाइव? संस्कार आपको पता है सील कहाँ पे है तो बताइए। मैं मुझे पता है और ये है बेटा, मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा। बाकी सब तुरंत जल्दी से म्यूट कर लीजिए। मैं भी चलो पे। कहाँ पे बेटा? चौथे पे। चौथे पे नहीं बदतमीज बोलो। सिक्स नंबर पे है ना? सिक्स नंबर पे है एस ई ए एल सी। तो संस्कार अब हंसी मजाक हो गया बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए वरना डांट भी पड़ेगी। कुछ बताओ ये मतलब सुनते ही नहीं, हंसते बहुत है और डांट भी खाते तब भी। संस्कार इधर देखिए, नहीं करनी है शैतानी, ठीक है? पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी है। ओके गुड बॉय हो ना? हाँ चलो। सिक्स नंबर पे सील। सील की स्पेलिंग बताओ, मम्मी को मत देखो। चलो बताओ बताओ। हाँ बोलो बोलो। ई स्पेलिंग नहीं पढ़ पा रहा। सील। ओके गुड। अब मुझे ओवैस बताएंगे। ओवैस लॉबस्टर की बताइए। लॉबस्टर की कहाँ है? लॉबस्टर हैंकी खाए थे भाई। मुझे नहीं पता। इधर ही ओवैस माइक ऑन कर लीजिएगा बेटा। मैं बोल दिया। लॉबस्टर कहाँ है बेटा? देखिए लॉबस्टर खोजिए। एल ओ बी एस टी ई आर लॉबस्टर। बेटा लॉबस्टर एल ओ बी एस टी ई आर लॉबस्टर। देखिए पहली स्टैंडिंग लाइन में पहला है ना, थर्ड स्लीपिंग से थर्ड लाइन में, स्टैंडिंग में पहली लाइन में। मिला सबको? ओके अब रिमझिम बेटा। ऑक्टोपस माइक माइक बेटा माइक। कहाँ पे रिमझिम? फर्स्ट लाइन। वेरी गुड रिमझिम। अब रिमझिम स्मार्ट गर्ल बन गई फर्स्ट लाइन में खोज के। गुड। अरे ये कौन था? पेपर से फोन। कौन था ये? बताइए बताइए।
टर्टल कहाँ पे है? टर्टल चौथे नंबर पर, 1 2 3 4 कहाँ पे है? किस नंबर पे बेटा? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। कहा बताए? लास्ट लाइन में। वेरी गुड चंद्रांशु। टर्टल वेरी गुड बेटा। अब कोई बचा है? सामर्थ हो गए, रिमझिम हो गए, वैस, त्रिशा, संस्कार, चंद्रांशु, तन्वी, शगुन। ओके, अब कोई भी बता सकता है जो जो अपना नेम पहले बता देगा। क्रैप कहाँ पे है? स्टैंडिंग लाइन डी ओ नो 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 स्टैंडिंग लाइन में है। 8 लाइन बता दो। स्टैंडिंग लाइन में मैम 8। वेरी गुड सामन। क्रैप की स्पेलिंग बताइए। बता दो। नो नो क्रैप की सी आर डी ई। सॉरी गलत। बी। ओके, अब वेल कौन बताएगा? तन्वी। 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 सिक्स लाइन में। सिक्स लाइन में। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड तन्वी। वेरी गुड बेटा। सबको मिल गया? देख लीजिए एक बार, सब लोग अपना मैच कर लीजिए। सब बच्चे अपने बता रहे हैं, किसी बता रहे हैं? चलो बताओ, दिखाओ अपना। तुम दिखा भी नहीं सकती हो। ओके, अब सब लोग अपने नेक्स्ट पेज पे डेट डालिए, 2010 और 21। और आपको इसको होमवर्क में करना है, अपने क्रेयॉन को जो भी कलर है उस कलर से करना है। ग्रीन को ग्रीन कलर से, व्हाइट को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, या व्हाइट कलर हो तो व्हाइट कलर कर दीजिएगा, येलो को येलो कलर, ऑरेंज को ऑरेंज कलर, एक मिनट बेटा मुझे बोल लेने दीजिए पूरा, ब्राउन को ब्राउन कलर से, उसके बाद रेड को रेड कलर से, उसके बाद पर्पल को पर्पल से, ग्रे को ग्रे से, ब्लू को ब्लू से, पिंक को पिंक से, और ब्लैक को ब्लैक से। मैंने देखिए थोड़ा थोड़ा किया है, ऐसे ही आपको पूरा अच्छे से करना है। देखिए सब लोग इधर हल्का हल्का किया है आपको बताने के लिए, या आपको होमवर्क करना है पूरा अच्छे से। ओके, नहीं करना है। ओके, सब लोग कर लीजिएगा। ओके ओके मैम। अच्छा, मुझे कोई कुछ बोल रहा था? ओके मैम। बोल रहे थे बुक दिखाइए। क्या करना है बेटा? बुक देखिए देखिए। व्हाइट कलर नहीं है। हाँ तो देखिए, मेरे पास भी व्हाइट कलर नहीं था, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अच्छा लगता है कलर ये। ओके, अब हम ये बताइए पूरा होगा तो मैम क्या बोल रहे हैं? हाँ तो पूरा मैं उसमें मैं